फडणवीस जी, आजकल आप राज ठाकरे से काफी मिल रहे हैं, क्या वो आपके अलायंस में आने वाले? नहीं, हमारे पुराने मित्र है, और कई बार ये होता है कि देखिए, एक समय था कि राज ठाकरे जी की राजनीति ये थोड़ी संकुचित थी। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी की बात करना ये तो बहुत स्वाभाविक है और बिल्कुल सही भी है। मराठी की बात महाराष्ट्र में नहीं होगी तो कहाँ होगी? लेकिन हम उनको ये कहते थे कि मराठी की बात कीजिए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका विरोध मत कीजिए, क्योंकि हमारे देश में अगर हम गुजरात में चले जाते हैं तो गुजरात में भी मराठी है, अगर हम मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, इंदौर हो, जबलपुर हो, मराठी मराठी हमको दिखाई पड़ते हैं। तो देश में ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए कि हम भाषा के आधार पर डिवाइडेड हो, तो ये हमारा कहना था। लेकिन पिछले समय से उन्होंने केवल भाषा की बात को छोड़कर एक प्रकार से एक व्यापक हिंदुत्व का विचार उन्होंने बदल दिया है, और हिंदुत्व की बात वो करते हैं। तो हिंदुत्व तो एक कनेक्टर है ही, लेकिन मैंने इससे पहले भी ये स्पष्ट किया है कि अलायंस की न हमारी कोई बात हुई है, न कोई हमारी बात चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अभी हिंदुत्व के विषयों पर उनके और हमारे कुछ विचार मिलते हैं, तो उन विचारों के ऊपर हम लोग साझा करते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी के खिलाफ महायुति, क्योंकि आपके गठबंधन को आप युति कहते हैं, अलायंस उसको युति कहते हैं मराठी में, तो महागठबंधन महाविकास आघाड़ी के खिलाफ महायुति, क्या इस तरीके का कोई प्रस्ताव आएगा? महायुति तो है ही हमारी, बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, महायुति महानगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं। देखिए, महायुति तो हमारी है ही, बीजेपी है, बाला साहेबांची शिवसेना है, आरपीआई है, और कई छोटी छोटी पार्टियां हमारे साथ है, तो महायुति तो हमारी ऑलरेडी है। अब उसमें राज ठाकरे आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके बारे में मैंने इससे पहले भी स्पष्ट किया और आज भी कह रहा हूं कि उनसे ऐसी कोई चर्चा हमारी नहीं चल रही है। लेकिन पूरे बंद, मतलब दरवाजे बंद है कि अभी भी चर्चा हो सकती है? आपने अभी कहा कि दरवाजे हमारे खुले हैं। ऐसे ऐसे राजनीति में जिसमें गैप हो, ऐसे जवाब नहीं दिए जाते। मुझे मालूम है कि आपको क्या करना है, हम दरवाजे बंद नहीं रखते, ऐसा मैंने कहा तो आप बताएंगे कि अब राज ठाकरे के लिए दरवाजे खोल दिए। मैंने कहा बंद है हमारे दरवाजे, तो राजनीति में दरवाजे तो बंद हो नहीं सकते, तो ऐसे जवाब मेरे मुंह से नहीं निकलने वाले, आप चिंता मत कीजिए।